सो हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल मृणालीस व्लॉग। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप में से जो लोग मृणाली के चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आप फिर से पूछते हैं कि क्या गुलाम को सजा देनी चाहिए? एक परफेक्ट गुलाम क्या होता है? गुलाम को सजा देनी चाहिए, डेफिनेटली गुलाम को सजा देनी चाहिए। गुलाम को सजा नहीं दोगे तो सब एक चढ़ के तांडव करेगा, खुद को मालिक समझ बैठेगा और आपकी औकात भूल जाएगा। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपका गुलाम आपके कंट्रोल में से बाहर हो रहा है तो उसका पट्टा तो आपके हाथ में खींचो और हमेशा के लिए उसके मुंह पे टेप लगा दो। गुलाम को पहले के समय में अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, याद हो, तो गुलाम को पहले के समय में ना दागा जाता था, ठीक है। तो उसके गले में जो पट्टा आना चाहिए वो आपके नाम का आना चाहिए। इससे मेरे कुत्ते के गले में किसका पट्टा रहता है? मृणालीस। उनकी मालकिन कौन है? मैं। अगर आपका कुत्ता आपकी बात नहीं मान रहा है तो पूरे दिन ठंडे पानी में खड़े रखो, पूरे दिन उसे ठंडे पानी में खड़े रखो ताकि उसके ठंड से ना बर्फ से पैर अकड़ जाए। जब उसके पैर अकड़ जाएंगे, घुटनों के बल आकर आपके पैरों में गिर के बैठेगा और माफी मांगेगा कि प्लीज मुझे माफ कर दे, आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। और तब आप क्या करोगे? क्या करोगे? उसके वाल ऐसे खींचेंगे, और उसे ये याद दिलाएंगे कि उसकी जगह कहाँ है, और यहाँ अपने पैरों पर उसका सर ले जाके रख देना ताकि उसे याद होना चाहिए कि उसकी जगह यहाँ है और वो अपनी औकात भूल के बहस कर रहा था। क्योंकि गुलाम को कोई हक नहीं होता मालिक से आंखें मिला के बात करने का। तो जिस गुलाम को मालिक से आंखें मिला के बात करने का हक नहीं होता, वो उससे सवाल जवाब कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। कुत्ता मालिक से सवाल जवाब कभी नहीं कर सकता। तो उसके लिए मालकिन जो जब कहेगी उसे सुनना पड़ेगा। मेरा जो इंस्टाग्राम का ग्रुप है, मैं जब जो कहूंगी वो तुम लोगों को सुनना पड़ेगा, मेरे ग्रुप में ज्वाइन होके। क्यों? क्योंकि मैं मालकिन हूं और तुम सब मेरे गुलाम, समझे? तो आगे से कभी ये भूलने की कोशिश मत करना कि तुम क्या हो और मैं क्या हूं, समझे? वरना तुम्हारी जबान जो हलक के अंदर दिखाई दे रही है ना, हलक से बाहर खींच के रखो। और जबान के साथ जबान को कहां टांगूंगी? अपनी पैर के जूते के नीचे रखूंगी, क्योंकि तुम्हारी जबान की और तुम्हारी कीमत सिर्फ पैर के नीचे है गुलाम की, समझे? भूलना मत आगे से अपनी औकात। तफावत।